तो ये है हमारे गुल मेहंदी के पौधे जो हमने एक शेल्फ में लगाए थे। हमने उसके रूट सिस्टम को बिना डैमेज किए सिर्फ नीचे का पार्ट निकाल के वैसे ही रख दिया। ये पुरानी कोई टिन है और ये है अलग अलग कलर के, वैसे ये एक ही लीफ के है। चलो जब पूरा भरेगा आगे देखेंगे। और ये है हमारे सीड बेड्स, वैसे ये भी पुराने प्लास्टिक के कुछ बचे कुछ टिन हैं। और ये थे वो एक्सेल्स, बस कलर कर दिया, नीचे से होल कर दिया, मिट्टी डाली, बस उसके बाद थोड़ा बहुत बनने के बाद इसको ऐसे लगा दिया। वैसे इन पौधों को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है, छाँव में भी अच्छे खासे जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं, बस पानी ज़्यादा देते रहना वरना झट से मुरझा जाएंगे। तो ये देखिए हमारी गुल मेहंदी की क्यारी पूरी भर चुकी है। ये पिंक, ऑरेंज, डार्क रेड, पर्पल और ये देखिए सफ़ेद। इसका फूल वो तो बीच में ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, वो सीड फॉर्म हो रहा है। तो इसका देखते हैं, देखो देख रहे हो वो सीड है। अब अच्छा ये देख लीजिए, ये देखो ये जो है उसका ये सीड पॉट है, ये बढ़ेगा फिर इसमें से ढेर सारे सीड्स आएंगे। इसकी खासियत ये है कि ये जो फूल है ये बहुत दिनों तक ऐसे ही पौधों पे लगे रहते हैं और ये नॉर्मल गीली मिट्टी में बढ़ जाएंगे अच्छे से। और इसको हम इनडायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना अच्छा होता है क्योंकि ये ज़्यादा धूप बर्दाश्त कर नहीं पाएगा। चलिए फिर हम मिलते हैं अपने अगले ऐसे ही सुंदर सुंदर फूलों के वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।